हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे सारे फ्रेंड्स को, लॉ स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइबर्स को और जो जो भी सज्जन मेरा चैनल देखते हैं उनको हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि 99,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और बहुत जल्दी ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आई नीड योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट ऑलवेज। आज का हमारा वीडियो सेक्शन 65B सब सेक्शन 4 ऑफ द एविडेंस एक्ट पर है। सर्टिफिकेट क्या होता है सेक्शन 65B का? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई एविडेंस, जैसे कोई कंप्यूटर का प्रिंटआउट, CD, DVD, CCTV फुटेज, हार्ड डिस्क, क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिशेबल इन एविडेंस है? यदि है तो इनका सर्टिफिकेट किस तरह से बनाया जाता है और कैसे सर्टिफिकेट पेश करने के बाद ही इसको एविडेंस में ट्रीट किया जाता है? तो देखिए, मैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस पर सेक्शन 64 और 65 पर एक वीडियो बना चुका हूं, तो पहले आप वो देखिए, इससे आपको प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस में फर्क या अंतर समझ में आएगा। सेक्शन 65 कहता है प्राइमरी एविडेंस, 64 कहता है प्राइमरी एविडेंस के बारे में। प्राइमरी एविडेंस मतलब ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोई लेटर हो, बिल हो, जो ओरिजिनल फॉर्म में हो, उसको प्राइमरी एविडेंस कहते हैं। सेक्शन 65 कहता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। अब क्वेश्चन उठता है कि सेकेंडरी एविडेंस को रिकॉर्ड पर कैसे लिया जाता है, तो ये भी मेरे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में है, उसके बारे में जो भी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। यहां पर है कि आज के जमाने में कंप्यूटराइज्ड है, आजकल डॉक्यूमेंट्स मैनुअली नहीं बनते हैं, सब कंप्यूटर पे होता है, उसका प्रिंटआउट होता है, उसका DVD भी बनता है, उससे CD भी बनती है, उससे जो है पेन ड्राइव भी बनती है और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को भी, अनेक बार CCTV फुटेज भी होती है जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टोरेज होती है, या कोई मोबाइल है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसको किस तरह से हम कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस करें, क्योंकि आज के जमाने में सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। तो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी चेंजेस हुए और उस चेंजेस के कारण जो चेंजेस हुए उसमें सेक्शन 65B को इनकॉर्पोरेट किया गया। तो पहले हम सर्टिफिकेट, तो सेक्शन 65B के सब सेक्शन 4 में है, पहले हम 65B को मैं पढ़ना चाहूंगा। सेक्शन 65B क्या कहता है? एडमिशिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड notwithstanding anything contained in this act, any information contained in an electronic record which is printed on a paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media produced by a computer shall be deemed to also be a document if the condition mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceeding। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर से निकाला गया कोई प्रिंटआउट भी डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कोई बिल या लेटर, नहीं। कंप्यूटर से जेनरेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका प्रिंटआउट निकाला गया है वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा, लेकिन उसके लिए इस सेक्शन की कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए और वो एडमिशिएबल इन एविडेंस कब होगा? जब हम सेक्शन 65B सब सेक्शन 4 की कंप्लायंस करेंगे और उसके परसुएंस में सर्टिफिकेट देंगे। अब हम पहले सेक्शन 65B सब सेक्शन 4 में पढ़ूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा और फिर सर्टिफिकेट कैसे ड्राफ्ट किया जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है एविडेंस में, वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले सब सेक्शन 4 में पढ़ता हूं। In any proceeding where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things, that is to say, इसका मतलब ये हुआ कि किसी proceeding में यदि statement दिया जाना है evidence में इस section से related, तो एक certificate दिया जाना चाहिए। अब कैसे दिया जाना चाहिए? A, identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced. B, giving such particular of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer. C, dealing with any of the matter to which the conditions mentioned in subsection 2 relate and purporting to be signed by a person occupying a responsible official position in relation to the operation of the relevant device
ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द रिलेवेंट एक्टिविटी शेल बी द एविडेंस ऑफ एनी मैटर स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है उस डिवाइस, उस सर्टिफिकेट में क्या दिया जाना चाहिए। सर्टिफिकेट में उस डिवाइस के बारे में देवे, उसकी डिवाइस का डिटेल और डिस्क्रिप्शन देवे, किस तरह की डिवाइस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, उससे प्रिंट आउट कैसे निकाला गया, इसका डिस्क्रिप्शन देवे। फिर वो जो पर्सन है, जो ऑथोराइज पर्सन है, ओनर हो सकता है, ऑथोराइज पर्सन हो सकता है वो, या ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है, वो एक स्टेटमेंट दे कि ये कंप्यूटर मेरे पावर और पोजिशन में है और इसको जो है मैं ही इसका ओनर या ऑफिशियल ऑफिसर इंचार्ज हूँ, या मैं इसको पोजीशन में रखता हूँ और ये मेरे अंडर कंट्रोल में है। उसके बाद वो पर्सन जो सेक्शन 65B का सर्टिफिकेट दे रहा है वो दे कि इसके ओरिजिनल रिकॉर्ड से प्रिंट आउट निकाला गया और जो ओरिजिनल रिकॉर्ड में मेरी कस्टडी में है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड उसका हूबहू एज इट इज प्रिंट आउट निकाला गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसलिए जो प्रिंट आउट है इसको एडमिशिबल इन एविडेंस है, इसलिए इसको रिकॉर्ड पर लिया जाए। तो अब क्वेश्चन है कि सर्टिफिकेट कैसे ड्राफ्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सर्टिफिकेट ड्राफ्ट करने के लिए सबसे पहले आप कोर्ट का पूरा नाम लिखें, फिर आप केस नंबर लिखें, फिर केस का टाइटल लिखें, फिर हेडिंग लिखें सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ द एविडेंस एक्ट। फिर जो व्यक्ति सर्टिफिकेट देने के लिए ऑथोराइज है वो लिखे कि अपना नाम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन लिखे, फिर कहे कि मैं ऑथोराइज पर्सन हूँ या ओनर हूँ इस डिवाइस का और मैं ये सर्टिफिकेट देने के लिए ऑथोराइज हूँ। फिर वो लिखे कि ये ओरिजिनल कंप्यूटर, ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओरिजिनल हार्ड डिस्क मेरे पावर ऑफ पोजिशन में है क्योंकि मैं एक ऑथोराइज पर्सन हूँ। इसका जो प्रिंट आउट कॉपी निकाली गई है, ये जो ओरिजिनल कॉपी है, जो ओरिजिनल डिवाइस में कॉपी स्टोर्ड है उससे हूबहू मिलती है, इसको किसी तरह टेम्पर्ड नहीं किया गया, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, और यदि कोर्ट चाहे तो मैं वो ओरिजिनल डिवाइस भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ और ये एज इट इज है, इसको किसी भी तरह चेंजेस नहीं किए गए हैं और मैं ये सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता हूँ। फिर वो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन दे कि मैं सच एंड सच पर्सन वेरीफाई करता हूँ कि सर्टिफिकेट में कंटेंट्स, सारे कंटेंट्स सही हैं और ट्रू हैं। इसके बाद इस सर्टिफिकेट के सपोर्ट में अच्छा ये होगा कि एक एफिडेविट भी आप प्रोड्यूस करें। तो इस तरीके से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से यदि आप कोई कॉपी करते हैं और वो कोर्ट में प्रोड्यूस होती है तो वो एविडेंस के रूप में कोर्ट उसको एडमिट करेगा और उसको पढ़ी जाएगी। अब क्वेश्चन है कि इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट्स हैं। तो देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए, पर जो सबसे रेलेवेंट जजमेंट 3 जजेस बेंच का आया, जो रिपोर्टेड है सुप्रीम कोर्ट केसेस में, साइटेशन है 2020 SCC सुप्रीम कोर्ट 571। केस का नाम है अर्जुन पंडितराव वर्सेस कैलाश खुश रहो। तो ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए वो मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ए सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B4 इज मैंडेटरी एंड ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसका मतलब कि सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और तभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एडमिशिबल होगा। द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 65B इज अननेसेसरी इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज सेल्फ प्रोड्यूस। यदि वो ओरिजिनल कंप्यूटर, ओरिजिनल CCTV हार्ड डिस्क, ओरिजिनल मोबाइल फोन को प्रोड्यूस कर दिया गया है तो इस सर्टिफिकेट का फिर कोई रेलेवेंस नहीं है। और ओरल एविडेंस कैन नॉट सफाइस इन प्लेस ऑफ ए सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B4 एंड एविडेंस एलिन्यूट कैन नॉट बी गिवन बाय ए पर्सन इन चार्ज ऑफ ए कंप्यूटर डिवाइस इन प्लेस ऑफ द रिक्विजिट सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B4। इसका मतलब केवल ओरल एविडेंस नहीं दी जा सकती पर्सन इंचार्ज से जब तक कि वो सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस नहीं करे, और वेयर द रिक्विजिट सर्टिफिकेट हैज बीन सॉट फ्रॉम द पर्सन और द अथॉरिटी कंसर्न एंड द पर्सन और द अथॉरिटी कंसर्न रिफ्यूज टू गिव सच अ सर्टिफिकेट और डज नॉट रिप्लाई टू सच डिमांड द पार्टी आस्किंग फॉर सच सर्टिफिकेट कैन अप्लाई द कोर्ट फॉर इट्स प्रोटेक्शन। जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है पर जो ऑथोराइज पर्सन नहीं देता है तो जो पार्टी है वो कोर्ट से कह सकती है कि सर्टिफिकेट दिया जाए और तभी ये डॉक्यूमेंट जो कंप्यूटर का प्रिंट आउट है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई भी डिवाइस है वो एडमिशिबल इन एविडेंस होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने फ्रेंड्स जाना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह से एडमिशिबल इन एविडेंस होती है कोर्ट ऑफ लॉ में। धन्यवाद, थैंक यू फ्रेंड्स।